गुरवो बहवो सन्ति शिष्यवित्तापहारकः दुर्लभो सद्गुरुर्देवी शिष्य संतापहारकः गुरवो बहवो सन्ति शिष्यवित्तापहारकः दुर्लभो सद्गुरुर्देवी शिष्य संतापहारकः गौरियो गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए, वास्तव सत्य वस्तु परम सत्य वस्तु परम सत्य वस्तु का जानकारी तब प्राप्त हुए जब हमारा वास्तव गुरुचरण सद्गुरुचरण आश्रय होता है एंड गुरु का आश्रय में भगवान का सेवा करना शुरू कर दे। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए, जगत गुरु भोपाल जी ने बताए, जो वास्तव सत्य वस्तु परम सत्य वस्तु जानने को तब मिलता है जब सदगुरु चरण का आश्रय में गुरु का अनुगत्य में भगवत भजन शुरू करें, भगवत भजन करें। वास्तव शिष्य वो है जो निर्विचार गुरु जी का आदेश का पालन करता है। वास्तव शिष्य वो है जो निर्विचार गुरु जी का आदेश सदगुरु का आदेश पालन करने के लिए सदा सर्वदा तत्पर है, व्यस्त है। भगवान हमारा मंगल का सारे जुमा जिसका हस्त में दिया है, जिसका हाथों में समर्पित किया है, अगर वो गुरु पादपद्म का हम वास्तविक आश्रय किए हैं, पूर्ण शरणागत हो पाए तो इसको ही शिष्य बोला जाता है। कोई भी आदेश गुरु जी का है, निर्विचार उसको ग्रहण करना ये सबसे बड़ा विचार है। ये बिल्कुल असंभव है, फिर भी संभव है। जो श्लोक दे के शुरू किया ये तो वैष्णवानाम यथा शंभु शंकर भगवान जी देवी मैया को पार्वती मैया को कह रहा है दुर्लभो सद्गुरुर देवी। ये जगत में गुरु बहुत बहुवो गुरुवो संति शिष्योस वित्तोपहार का, ये जगत में गुरु का कोई अभाव नहीं है, शिष्य का अभाव है, गुरु का कोई अभाव नहीं। जहां भी जाओ गुरु मिलेगा। लेकिन शंकर भगवान जी कह रहे हैं दुर्लभो सद्गुरुर देवी, शिष्य दुर्लभो सद्गुरुर देवी, सद्गुरु दुर्लभ है, गुरवो बहवो संति शिष्यो वित्तोपहार का। बहुत सारे गुरु है, जब तमाम दुनिया में गुरु है, सब शिष्यों के जितना सारे वृत्त है संपत्ति हड़प करने वाले। पोपात का दिखाया हुआ रास्ते में चलने वाले बहुत कम है, बहुत कम। क्योंकि ऐसा आइडियलिज्म आदर्श मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा और रास्ता भी नहीं, भगवत प्राप्ति संभव भी नहीं। शिष्य संताप को हरण करने वाले कोई नहीं। शिष्य का अंदर में जो संताप है, जलन है, आध्यात्मिक आधिभौतिक आदि दो जितना जलन है, सारे जलन को मिटा देने वाले
जीवों को अमृतमय कर देने वाले, ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे श्रील परीक्षित महाराज जी को मिला है सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जी, ऐसा बहुत मुश्किल है, मुश्किल से मिलता है। इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं देवी 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 जी को, जगत में गुरु का कोई अभाव नहीं है, लेकिन सारे कैसे अपना नाम जस हो जाए, संपत्ति हो जाए, ऐसा चिंतन में फंसे हुए हैं। और ऐसा गुरु सुदुर्लभ है देवी, जो शिष्यों का अंदर का संताप को हरण करके, और संताप हरण वाला जो बात है, भक्ति नहीं मिलने से वास्तविक रूप से वस्तुतः भक्ति नहीं मिलने से कभी संताप भी दूर नहीं होगी, कि तो भक्ति अमृतमय, भक्ति प्राप्त करने से तभी सारे संताप जलन जो है दूर जा सकता, नहीं तो बीच का कोई रास्ता ही है नहीं। काल चर्चा हो रहा था, ठाकुर जी अर्जुन को कह रहे हैं कि इतना तक हुआ, ये कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलो हेतुर माँ ते संग अस्तु अकर्मणि। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं। कर्मफल तुम्हारा कर्म प्रवृत्ति का, तुम्हारा कर्म करने का जो इच्छा, ये फल लाभ के लिए ना हो, और इसके साथ साथ फल अगर नहीं मिले तो कर्म करके क्या करे, कर्म भी बंद कर दो, ऐसा भी अधिकार नहीं। तुम्हारा कर्म त्याग में है, तुम कर्म को त्याग कर दोगे, इसमें भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। सधर्म विहित तो कर्म को करना है, और बहुत सारे विचार हुआ था काल, ये कर्म बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण तो कर्मों का फल है, ये कर्मों का फल है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हारा कर्म में अधिकार, दूसरा बात फल में, फल का आशा मत करो, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुमको अपना हिसाब का अनुसार अपना जैसे अधिकार अधिकार है, अधिकार का अनुसार कर्म करना चाहिए, लेकिन फल प्राप्ति के लिए तुम्हारा कर्म का इच्छा ऐसा ना हो, ऐसा होए तो मंगल अमंगल। और फलाकांक्षा नहीं है इसलिए कर्म हम छोड़ देंगे, क्या करें कर्म करके, ये भी तुम्हारा में ऐसा भी इच्छा पैदा ना होए। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में आता है, 11 स्कंद में 3 चैप्टर अध्याय, कर्मा कर्म विकर्मेति वेद बाधो न लौकिक वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयो। कर्मो अकर्मो विकर्मो, ये सब विचार लेके तमाम दुनिया उल्टा विचार कर रहे हैं। कर्मो अकर्मो विकर्मो ये सब लेके ही सब व्यस्त है, और इसका कोई समाधान नहीं कर पाता, क्योंकि वेद काल प्रमाण कर दिए कि वेद ईश्वरी है, वेद अलग कुछ नहीं है। फिर भी वेदों का अंदर में जितना सारे उपदेश है, जितना सारे कर्मकांड आदि लिखा गया, तमाम दुनिया का हित के लिए, जैसा जैसा आदमी, जैसा जैसा उसका अधिकार है, ये अधिकार के मुताबिक उसको आगे बढ़ाने के लिए कर्मकांड का भी बहुत सारी व्यवस्था देखा जाएगा,
लेकिन तमाम वेद को प्राप्त कर पाठ करने का बाद अगर भगवान ना मिले तो वेद पाठ करना बेकार हो जाएगा, वेद करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कर्म क्या है, इसमें कर्म बोलने से वेद विहित कर्म, स्मार्थ कर्म, बहुत सारे विधि विधान हैं वेद में लिखे हुए, उतना सारे जो कर्म हैं यही कर्म हैं। और इष्टापूर्ति अर्थात इष्टात्य यज्ञ जाग यज्ञ आदि इत्यादि पूर्त कर्म, मतलब कुएं खनन किया, जलाशय कर दिया तमाम जनता के लिए, ये सब जो इष्ट पूर्ति पूर्त इष्टापूर्त कर्म, मतलब ये जाग यज्ञ आदि और कुप खनन व्यापी खनन सब मंगल के लिए सब करा, ये प्रायः ये सब काम कर्म है। और ये काम कर्म जो है, काम कर्म ही ये जो काम कर्म है, ये काम कर्म करो कोई नुकसान नहीं, लेकिन निष्काम भाव से करने का उपदेश है गीता में। अगर निष्काम भाव से किया जाए तो एक कर्मयोग बन जाता है। लेकिन साधारण दृष्टि के द्वारा अगर कर्मों का निष्काम भाव से कर्म करे, उसका कोई फल ना मांगे, तो काम करने के लिए किसी का इच्छा ही नहीं हो, क्यों करे? तो स्वाभाविक दृष्टि में निष्काम कर्मों ऐसा लगेगा तो एक बेकार का चीज है, कि क्या है, एक ही कोई मतलब हुआ। निष्काम कर्मों का जो गहरा भाव है, ये साधारण आदमी का दिमाग में नहीं घुसे। वो बोले क्या करे, अरे फल ही नहीं मिले तो क्यों, पागल है हम करें? इसीलिए नीति शास्त्र में भी है, प्रयजनम अनुद्दिश्य मंदधीर ओपी न प्रवर्तते। किसी काम में मंद बुद्धि वाले भी अगर देखिए जो फल नहीं है, कुछ अल्टीमेट गोल नहीं है, तो क्या करें? ये इसका इनके भी करने का इच्छा नहीं होती। ऐसा पकड़ के चलो, पुत्रेष्टि योग्य करना है। पुत्रेष्टि योग्य कोई आदमी पौराणिक काल में बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, राजा लोग जैसे चित्रकेतु किया, बहुत सारे ऐसा करते थे। जैसे कि एक यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, उसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति कराने के लिए, इसका मकसद ही है पुत्र प्राप्ति करना कराना। जो व्यक्ति का पुत्र प्राप्ति का कोई इच्छा ही नहीं है, तो ये योग क्यों करे, करने का क्या माम क्या माने रखता है? ये साधारण दृष्टि से साधारण आम आदमी का ये विचार बनता है। वस्तुतः गीता का जो कर्म है शब्दों, इतना छोटा नैरो कंसेप्शन नहीं है। वस्तुतः गीता में ये जो कर्म योग बताया गया, निष्काम कर्म जो, ये इतना छोटा मोटा दर्शन नहीं है। कुत्ता बिल्ली का दर्शन इतना नहीं है, बहुत ऊंचा। वस्तुतः गीता का जो कर्म योग जो विषय है शब्दों, इतना छोटा मोटा अर्थ में लगाया नहीं गया। गीता में ये स्पष्ट देखा जाता है, भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो। और क्यों करे युद्ध, सारे तर्क दिया अर्जुन, उसका उत्तर भी आया अर्जुन के सामने, लेकिन पक्का पूरा समाधान नहीं हो पाए, अभी भी खुलासा नहीं हुआ हृदय, अभी भी संशय
चल रहा है और भगवान कह रहे हैं कि देखो जनक आदि जो राजा है वो भी कर्म किया है, इसका भी कोई लेना देना नहीं था, करे ना करे वो दोनों ही बराबर है। जनक आदि ऋषि भी कर्म किया और हम भी लोक लोक रक्षार्थ अर्थात लोक संग्रहार्थ लोगों के लोगों को अपना अपना हिसाब से अपना क्रियाक्रम में लगाना, ये मकसद है और कुछ नहीं। हमारा जो क्रिया हम जो करते रहते हैं सब कर्म जो है, हम जो स्वयं कर्म करते हैं है ना, ये जो कर्म है ये हमारा लोक संग लोक को हम तमाम जनता को सही रास्ता मार्ग दिखाने के लिए। जनक आदि ऋषि ऐसा कि हम अगर कर्म ना करें हमारा कर्म फल में कोई स्प्रिया नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हम कर्म करते हैं लोक संघों के लिए। हम अगर कर्म करना छोड़ दे तमाम दुनिया बोलेगा तो ठाकुर जी छोड़ दे, हम भी छोड़ दे। जनक आदि ऋषि भी अपना इतना ऊंचा, जनक आदि ऋषि का स्थान अधिकार इतना ऊंचा, फिर भी इच्छा करके तमाम जनता को दिखाने के लिए अपना जनक आदि ऋषि भी कर्मों किया लोक संग अर्थो, हम भी कर्म कर। वस्तुतः कर्मों किए बिना एक पल भर भी कोई रह नहीं सकता। अपना आंखों का पलक झपक, खाना पीना चलना, शौचादि कर्म करना, कुछ भी करना, ये तो कर्म ही है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कर्म किए बिना कोई भी आदमी क्षणकाल रह नहीं सकता, क्योंकि कर्मों छोड़ देने से हमारा जीवन यात्रा जो है, लाइफस्टाइल हम जो चला रहा है, ये भी निर्वाह होना मुश्किल है। ऐसा कर वे ऐसा करके भगवान अर्जुन को अपना कर्मों का रहस्य बताने के लिए तैयार हो, ऐसा करके। और अभी इसका विचार बताया कि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदधीर ओपी प्रवर्तते, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो कोई मूढ़ आदमी भी कर्म में प्रवृत्त होना नहीं चाहता है। लेकिन एक जगह हम गलती कर दिया विचार में, ये कर्म करे कर्म का फल में उदासीन भाव रखना और उद्देश्यहीनता दोनों एक नहीं। ध्यान से विचार करें, हम जो क्रियाकर्म करने जा रहे हैं अधिकार का मुताबिक इसका फल प्राप्ति के लिए मैं उदासीन होना और टोटली एमलेस उद्देश्यहीनता एक वस्तु नहीं है, एक नहीं है, देखने में एक लगता है लेकिन एक नहीं है। हमारा कर्मफल प्राप्ति करने के लिए हमारा कोई इच्छा नहीं है, उदासीन भाव है, और हमने कोई क्रियाक्रम किया विदाउट एनी एम, कोई लक्ष्यहीन कर्म किया, निराधार कर्म, ये दोनों बात एक नहीं है। निष्काम कर्मों भी उद्देश्यहीन नहीं है, निष्काम कर्मों का कोई टारगेट नहीं है, बेफालतू है ना, बेमतलब, ऐसा नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन मत करो आप। निष्काम कर्मों का उद्देश्य
अतः उसका कोई मकसद नहीं है, ऐसा नहीं है। मकसद तो है ही है, निष्काम कर्मों उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि लोक संघ हो, जनता को सही मार्ग में प्रतिष्ठित करना और भगवान का जो इस सृष्टि है तमाम, उसमें हमारा भी योगदान होनी चाहिए। हम भी कुछ कर रहे हैं, योगदान होनी चाहिए। भगवान ने सृष्टि रखा ही है, सृष्टि रक्षा चले अर्थात भगवान का सेटिस्फेक्शन हो ऐसा चले। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कह रहे हैं पोता को, अरे हम तो ठाकुर जी से दी, ठाकुर जी हमको आदेश दिए हैं जो सेवा ये हम कर रहे हैं, हम जो आदेश पालन कर रहे हैं ठाकुर जी का, ये भी तो सेवा ही है, ठाकुर जी आदेश किया तब ना कर रहे हैं। ऐसा करके ब्रह्मा अपना सृष्टि कर्म कर रहे हैं, शंकर भगवान अपना विनाश करने वाला जो कर्म है समय समय में कर देता। निष्काम कर्मों कदापि उद्देश्यहीन नहीं, टारगेटहीन नहीं है, विदाउट एनी टारगेट ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य है लोक संग्रह, लोगों को सही मार्ग दिखाना और भगवान का सृष्टि का जो सेवा चल रहा है ये भी एक सेवा, भगवान का सृष्टि का इसमें सहयोग करना, अर्थात सृष्टि रक्षा में हाथ बटाना, ये भगवान का कर्म है, जगत रक्षा के लिए है। प्रकृति का प्रेरणा के द्वारा जीवों के माध्यम ये सब कर्म होते रहता है, ये भगवान का ही कर्म है, जगत रक्षा के लिए ही है। और प्रकृति क्रिया माननीय है तो बद्ध जीव के लिए बोला गया, लेकिन जो कि जो हो रहा है प्रकृति के प्रेरणा के द्वारा ये जीवों का माध्यम होते रहता है, चलते रहता है। प्रकृति का प्रेरणा से जीवों का माध्यम ये चलता रहता है हर वक्त, सृष्टि का यही लीला है। इसीलिए निष्काम कर्मी समस्त कर्म फल जगत हितायो कृष्णायो गोविंदायो नमो नमः ऐसा करके समर्पण कर देते हैं। यही कारण है जिसके लिए निष्काम कर्म योगी समस्त कर्म फल जगत हितायो श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ऐसा करके भगवान का चरण में समर्पित कर देते हैं। वस्तुतः ये एक किस्म का भगवान का अर्चन है। रोंती देव जी महाराज अपना कोई स्प्रिया नहीं है फल का, फिर भी जो कुछ भी प्रसाद मिला दीन दुखियों को अपाहिज को देना शुरू कर दिया। और रोंती देव जी कह रहे हैं ठाकुर जी ये तमाम दुनिया का जितना कष्ट है बद्ध जीवों का ये कष्ट मिट जाए प्रभु, ये सब कष्ट मेरा ऊपर दे दो। ये भी तो ठाकुर जी को रिझाने वाला एक बात है, ठाकुर जी को संतुष्ट करने वाला, बेमतलब तो नहीं है। इसका मतलब है वो जो कोई भी क्या कर्म कर रहा है सम्मक ठाकुर जी का संतुष्टि विधान के लिए ही है। ये भी एक किस्म का अर्चन है। ये कर्मयोग के द्वारा रंती देव जी का सिद्धि प्राप्त हो गए। सिद्धि प्राप्त हो गए और ये ठाकुर जी का संतुष्टि करने के लिए ही है और कुछ नहीं था। ये जो एक किस्म का अर्चन ही है, भगवान का पूजा नहीं हो गया, अर्चन हो गया। जब भगवान का इच्छा और कर्म करने वाले का इच्छा एकतान बन जाता है, जब भगवान का इच्छा और
करने वाले का इच्छा एकतान बन जाता, तब वास्तविक निष्काम कर्मों संभव पर संभव होता है। तभी निष्काम कर्म संभव होता हो भाई, नहीं तो ये होना संभव नहीं। इन दैट केस इसी समय कर्ता का अपनापन, कर्ता का अपनापन बल्कि कोई चीज नहीं रह जाता, कर्ता का व्यक्तित्व तो नहीं रहता है, दे देता है। कर्ता का अपनापन बोल के कुछ नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में फल क्या मिले नहीं मिले, इसमें समान बुद्धि बैलेंस कंडीशन को रखना ये असंभव है ही नहीं, असंभव हर हालत में संभव है। इस अवस्था में फलाफल क्या हो, रिजल्ट क्या हो, फलाफल में समत्व बुद्धि कोई आकर्षण नहीं होना, ये कोई असंभव नहीं है, ये हो सके, ये स्वाभाविक है। अगर ऐसा प्रैक्टिस करते चले निष्काम कर्म, तुरंत आप ही समझ जाओगे कि हृदय का क्या स्थिति है, स्वाभाविक हो जाएगा। बालक लोग बच्चों ने दो टीम बना के दल बना के खेलता है, इसका मकसद है आनंद लेना और कुछ नहीं इसमें, क्योंकि ये लोगों का स्वभाव ही है खेलना आनंद लेना। इस खेल कूद में जाए अगर पराजय ये तो है ही है, लेकिन इसका लिए ज्यादा बहुत कुछ नहीं है, तो उदासीन है इसमें। खेला में जय या पराजय कुछ भी हो इसमें ये लोग उदासीन के उतना बड़ा बात नहीं है, खेलो मजा लो। लेकिन जो लोग जुआ खेलता है जुआरी, ये लोग भी खेल, ये भी एक खेल है, ये भी शतरंज का खिलाड़ी आदि सब खेलते हैं, लेकिन ये लोगों का खेल का उद्देश्य बहुत घटिया, ये उदासीन रह नहीं पाते, क्योंकि जुआ है ना, इसमें हम हारना जीतना ये सब बड़े सारे विचार है। जय पराजय में उदासीन भाव को रखना ये लोगों के लिए संभव नहीं, क्योंकि कैसे हो, ये तो जुआ है, जुआ में अपना उदासीन भाव को रखना ये संभव नहीं, क्योंकि लोगों शुरू किया शुरुआत में ही, जब एक खेला शुरुआत किया शुरुआत में ही इनका कंटामिनेशन है कि हम जय हो जाए वो हार जाए, किसी भी हालत से उसको हारनी हारना चाहिए। ये सब विचार लोगों का अंदर है, इसके लिए ये लोगों का जो कंटामिनेशन है ही है। जो भी है ऐसा करके काल का ये शोक का बारे में काल चर्चा हुआ था, फिर भी आज थोड़ा स्पर्श कराना जरूरी। तो ये जो श्लोक आप समझा, कर्मान्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनो मा कर्म फूला माँ कर्म फल हेतुर भूमाते संगो अस्तु अकर्मन, ये समझा। वेदस्व चेश्वर आत्मत्ता तत्र मुझंती छुरय, कौन कर्म है कौन अकर्म है कौन विकर्म है इसका विचार में बड़े बड़े आदमी मोहित हो जाता है, विचार नहीं कर पाता। लेकिन कर्म अकर्म विकर्मित वेदवाद नौलौकिक, ये वेदवादी है नौलौकिक। आर वेद जो है साक्षात ईश्वर, वेदस्व चेश्वरात्मत्वात्, अर्थात भगवान और वेद अलग नहीं है,
इसके कारण मुह्यंती सूरयो तत्र मुह्यंती सूरयो, इस विचार में बड़े बड़े सूरी लोग भी मोहित हो जाते, कोई विचार नहीं कर पाते क्या गलती है क्या ठीक है, ऐसा ही हालत है। जोगोस्तो कर्म कर्म जोगोस्तो कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को जोगोस्तो होके कर्म करना, जोगोस्तो कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय तुम जोगोस्तो होके जोगयुक्त होके अपना क्रियाकर्म को करो करो, तुम्हारा युद्ध करना है ठीक है ये भी करो, लेकिन जोगोस्त होके करना, जोगोस्त कुरु कर्माणी संयम त्यक्ता धनंजय, सिद्धि असिद्धो समो भूत्वा समत्तम जोग उच्चते। अब ये जो कर्म योग कर्म का जोग जो है ये कैसा है ये क्या है, हे धनंजय फल कामना को त्याग करके भक्ति योग युक्त हो जाओ, होके सधर्म विहित कर्म करना, अकर्म विकर्म कर्म अकर्म विकर्म, वेदों में लिखा हुआ जो कर्म है उसका करना ही कर्म है, ये वेद विहित तो कर्मों को नहीं करने का मतलब है ये अकर्म, अकर्म ना करना, वेदों में जो लिखा हुआ है नहीं करना अकर्म, विकर्म मतलब विकर्म मतलब है जो खिलाफ है उल्टा, जो उल्टा है वेदों में लिखा है उसका ना करना फिर भी सही है, लेकिन वेद में लिखा है उसका उल्टा कर्म कर रहा है वो विकर्म है ना। यहां जो है भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम एक काम करो, जोगोस्तो कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय, हे धनंजय फल कामना को त्याग करके भक्ति योग युक्त होके सकर्म विहित तो कर्म करो, कर्मफल क्या मिलेगी सिद्धि और असिद्धि इसमें समान ज्ञान रखना, सिद्धि और असिद्धि में समग्र ज्ञानी योग बल के विख्यात है, जो क्या है ये दोनों में समान रखना, कर्मफल अथवा सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखना, यही टेक्निक है, इसको ही योग बोला गया। जोगोस्थो कुरु कर्माणि संयम त्यक्ता धनंजयो सिद्धि असिद्धो समभूत्वा असमत्तम योग उच्चति, ये जो समभाव रखना है यही योग, इसको ही योग बोला गया और दूसरा कुछ नहीं। समभाव को रखना यही योग है और कुछ नहीं, ये टेक्निक जो है और बहुत गहरा विचार है। जोगोस्तो कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजयो सिद्धि सिद्ध असिद्धो समभूत्वा समत्तम जोगोच्चति, समभाव रखना। सिद्धि असिद्धि में समभाव रखना यही योग बताया गया और कुछ नहीं। इसका बात कह रहे हैं दुरेनो दुरेनो ही अवरम कर्मो बुद्धि योगा धनंजयो बुद्धो शरणम शरणम मन्निच्छो कृपणा फल हेतव। दुरेनो ही अवरम कर्मो
बुद्धि जोगा धनंजयो दूरे नहीं अवरम कर्मो बुद्धि जोगा धनंजयो बुद्धो शरणम मनिच्छो कृपणः फल हेतवः। हे धनंजय निष्काम कर्मयोग ईश्वर में अर्पित होने से अच्छा है। निष्काम कर्मयोग मतलब ईश्वर में अर्पित करना, अर्पण करना। ईश्वर में अर्पित तो निष्काम कर्मयोग से काम कर्मों का जो रास्ता है बहुत निकृष्ट है। ईश्वरार्पित निष्काम कर्मयोग से काम कर्मों का जो आप लोगों में चेष्टा, ये काम कर्म अति निकृष्ट अतीब। अतः निष्काम कर्मयोग को आश्रय करके कर्म करना ये ठीक है, क्योंकि फलाकांक्षी व्यक्ति जो है ये लोग कृपण है। कृपण, कृपण मतलब भगवान का भक्ति करना चाहिए, ये सब तो दूर की बात है, सब छोड़ दिया, सिर्फ अपना अपना चिंता में लगे हुए मेटेरियल स्वार्थ को पूरा करने के लिए। इसलिए निकृष्ट है काम कर्म, बहुत ही निकृष्ट है। और काम कर्म का तो फल आपको मिलना ही, काम कर्म का फल सबको मिलेगा ही मिलेगा, जैसा कर्म ऐसा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें काम कर्मो, तुम निष्काम कर्म जो का आश्रय करो, क्योंकि फलाकांक्षी जो है वो कृपण है। फलाकांक्षी मतलब है भगवान के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ नहीं करते। फलाकांक्षी कृपण बोला गया है, कृपण मतलब जो पैसा खर्चा नहीं करता। लेकिन गीता में एक कृपण अर्थ में जो अपने एनर्जी को भी खर्चा नहीं करना चाहता है। जो फल कामना रखते हैं वो कृपण है, क्योंकि फल कामना जो करते हैं वो कृपण है, क्योंकि वो भगवत भक्ति जो स्वाभाविक है इसमें कार्पण्य किया। भगवत भजन का जो भक्ति का जो वृत्ति है बिल्कुल नहीं है, वो कृपण है। ठाकुर जी का लिए भगवान के लिए करना नहीं चाहता है, इसलिए फलकामी व्यक्ति जो ये किया इसका लिए ये मिलनी चाहिए, ऐसा विचार बना के चलता है, उसको गीता में कृपण बुलाया है। दूरेन ही अवरम कर्मो बुद्धि जोगा धनंजयो बुद्धो शरणम मनिच्छो कृपणः फल हेतवः। भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं हे संजय, बुद्धि योग से काम कर्म अतीव निकृष्ट है, इसको हटाकर आत्मजथा आत्मसाधक कर्मयोग लक्षणा बुद्धि को आश्रय करो। बुद्धि योग आश्रय करो, कारण फलाकांक्षा करके ही कर्मी लोग काम करते रहते हैं। जेतु फल कमोना जा रहा काम कर्म कथा, ये लोग फल कमोना करके जो कुछ भी करते रहता है ये कृपण है। वो लोग जन्म कर्म प्रवाहो चलते रहेगा, इसमें कुछ समाधान नहीं है, इसमें कोई समाधान है नहीं। पचास नंबर श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् जोगायो जुज्जस्व जोगो कर्मसु कौशलम।
बुद्धि योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बुद्धि योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसी जन्म में या तो पर जन्म में अगले जन्म में ये जो फल का बुद्धि युक्त व्यक्ति कोई फल कामना नहीं रखते हैं। बुद्धि योग बुद्धि के यही बुद्धि योग के द्वारा युक्त व्यक्ति इसी जन्म में सुकृति और दुष्कृति, सुकृतो और दुष्कृतो उभय परित्यक्त किया परित्यक्त करके रखता है। सुकृतो और दुष्कृतो दोनों में एक भी हो इसका अंदर में कोई विचार नहीं रखता। कारण निष्काम कर्म योग कारण कार इसका हेतु क्या है ना, निष्काम कर्म योगे निमित्तो जत्नो करता है ये लोग। इसलिए अर्जुन निष्काम कर्म योग के लिए यत्न करो, प्रयत्न करो, फल का बारे में मत सोचो। ये उदासीन भाव रख के अर्थात मतलब फल कामना क्या है इसको छोड़कर उदासीन भाव से बुद्धि योग आश्रय करके जो कर्म करने का विचार है इसको ही कर्मों का कर्मयोगों का कौशल है। ये कर्मयोग का कौशल है। उदासीन भाव लेकर अर्थात फल क्या मिलेगी ये सब विचार नहीं करते हुए ठाकुर जी को पर विश्वास करके बुद्धि योग का आश्रय के द्वारा कर्म करना ही कर्मयोग का ये कौशल है। बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृतो दुष्कृते तस्मात् योगायो जुज्जस्सो योगः कर्मसु कौशलम्। ये योग युक्त होने का जो नट जो टेक्निक है ये कर्म का कौशल है। ये कर्म का कौशल है, कौशल बनता है। पूर्वोक्त तो जो बताया बुद्धि योग का प्रभाव वर्णन करने गया ठाकुर जी, बुद्धि योग का जो प्रभाव ये वर्णन करने में ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समत्व रूप बुद्धि को युक्त होकर कर्म करता है वे लोग अनादिकाल संचितो ज्ञान का प्रतिबंधक स्वर्ग पाप सुकृति अथवा निरय प्रापक दुष्कृति ये दोनों ही भगवान के अनु भगवान का भगवान के कृपा के द्वारा दूर फेंक सकता है, दूर हटा सकता है, भगवान के कृपा के द्वारा अनुग्रह के द्वारा दूर हटा सकता है। ऐसा मापिक बुद्धि योगी कर्म का कौशल है, टेक्निक है। बुद्धि का अगर दोष उपस्थित हो पाया, बुद्धि का अगर दोष उपस्थित हो गया, बुद्धि कर्म फल रूप बंधन जरूर मिलेगी, इसमें कोई रिहा नहीं है। ये बुद्धि योग इतना ऊंचा विचार है, बुद्धि योग बुद्धि का जो कौशल है इतना ऊंचा है, ये बुद्धि के द्वारा कर्ममय संसार से भी निष्कृति मिल सकता है। ये जो टेक्निक है बुद्धि योग का जो टेक्निक है, ये टेक्निक के द्वारा कर्ममय संसार से मुक्ति मिलता है, मोचन हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया जैसे कि मारकरी है, पारद पारद है। अगर मारकरी मारकरी मैंने एच जी केमिस्ट्री में जो आता है पारद पारा पारा अगर शरीर में एक बूंद भी चला गया तो सुनिश्चित प्राण नाश। पारद
भक्षण करने से जाने अनजाने में प्राण का नाश हो जरूर, लेकिन ये पारद जो है, पारा जो है आयुर्वेदिक शास्त्र में मकरध्वज बोल के एक औषधि आता, मकरध्वज बहुत दिन ये जो पारा है इसका साथ कुछ गंधक आदि सब मिलाकर बहुत दिन जमीन के नीचे रख देता है, बहुत दिन बाद में ये मकरध्वज इससे बनाया जाता है। मकरध्वज में जरूर पारद है, मारकारी मकरध्वज में जरूर पारद है, लेकिन ये प्राण घातक नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पारद है ही तो है पारद, लेकिन फिर भी ये बहुत दिन से इसका मैच्योरिटी मिला, दवा बनाया इसका बार खाया, तो मतलब क्रूट खाली पारद खाने से अब मरोगे, लेकिन इसका साथ मिक्सिंग है, आयुर्वेदिक मिक्सचर है, बहुत दिन से रिएक्शन हुआ है, विक्रिया आज ये आर पारद नहीं रहा, ये तो अभी मकरध्वज है, मेडिसिन औषधि आयुर्वेदिक का। सो बुद्धि का अगर दोष उपस्थित हुआ, बुद्धि का बुद्धि अगर खराब हो गया, बुद्धि योग छोड़ दिया, तो ये जो बुद्धि का दोष जो है इसके द्वारा कर्मफल, कर्मफल नामक बंधन को प्राप्ति होगा, ये बुद्धि का दोष, इसके द्वारा कर्मफल स्वरूप में बंधन दशा को प्राप्त करेंगे। और ये बुद्धि का विचार से ही, ये बुद्धि अगर सही बन जाए, बुद्धि का विचार से ही ये कर्म संसार से मोचन हो सकता है, यही बुद्धि की। ऐसा करके बताया गया, पारद का उदाहरण दिया, जो औषध रूपी पारद को अगर मकरध्वज ग्रहण किया जाए उसमें तो बड़ा लाइफ मेडिसिन, बहुत ताकतदार मेडिसिन। जे लोग, जो लोग ये कर्मों का जो कौशल जानता है, वे जो लोग ये कर्म योगों का जो कौशल है, टेक्निक है, वो जानता है, वे लोग परम शरार्पित हृदय, तारे क्रियाकर्म को भगवान हृदय में विराजमान भगवान को समर्पित करके समत्व बुद्धि के द्वारा अनुष्ठित कर्म के द्वारा भगवान भगवत आराधना करके ये भीषण संसार बंधन से निष्कृति लाभ करते रहते हैं। और अन्यथा भगवत विमुख व्यक्तियों के लिए ये कर्म जो है ये संसार गोती को प्राप्त करता है। जो लोग ये कर्म का कौशल जानता है, वे लोग परमेश्वरार्पित हृदय के द्वारा समत्व बुद्धि लेकर अनुष्ठित कर्मों के द्वारा भगवत आराधना करते 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 भीषण संसार सागर से पार हो जाता। अन्यथा तमाम बद्ध जीवों के लिए भगवत विमुख, अन्यथा भगवत विमुख जो कर्मों के द्वारा संसार प्राप्ति सुनिश्चित है, इससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायो युज्यस्य योगो कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायो युज्यस्य योगो कर्मसु कौशलम्, ये बताया।
कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषीण जन्म बंधो विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। दूसरे श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषीण जन्म बंधो विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। बुद्धियुक्तो मनीषीगण, ये बुद्धियुक्तो, ये बुद्धियुक्त होकर जितना सारे मनीषी लोग है, मनीषी कर्म जनितो कर्मों के द्वारा जो फल मिलने वाला है ये सब त्याग कर देता है, टेक्निक जानता है वो, जन्म बंधन से छुटकारा लेकर क्लेश रहित वैकुंठ जगन को जगत को प्राप्त करता है अगर सही ढंग से किया तो। ये बुद्धि युक्त होने वाले जो जितना सारे मनीषी लोग हैं ये कर्म जनित तो कर्मों का तो फल मिलेगा ही, ये सब त्याग करके अर्थात कर्मों का अच्छा फलाफल विचार छोड़ के जन्म बंधन से छुटकारा लेकर क्लेश रहित वैकुंठ जगत में पधारते हैं। क्लेश रहित जहां कोई क्लेश नहीं है ऐसा भी वैकुंठ जगत को चले जाते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषीण जन्म बंधो विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। ऐसा करके भागवत जी कह रहे हैं कि जदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यसि, जदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम शतब्बस्य सुतस्य च। जिस समय तुम्हारा हृदय अंतकरण ये मोह से छुटकारा लेकर जिस समय तुम्हारा जो अंतकरण है ये मोहरूप गहन डीप फॉरेस्ट जैसे जंगल है निकालना मुझ गहन हो डीप मोहरूप ये जो विचार है उसको अतिक्रम करने में सक्षम होगे, आप जब सक्षम हो पाओगे उसी समय तुम वेदों का जो श्रोतव्य सुत फल पुष्पिता वाचा लुक्रेटिव ऑफर लोभनीय जो फलाफल है अर्थात तुम श्रोतव्य सुत फल में निर्वेद प्राप्त हो जाओगे। अर्थात इसका लिए कोई दिल में कोई बिल्कुल कोई इच्छा नहीं रहेगी। इस समय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं इसी प्रकार परमेश्वर में अर्पित निष्काम कर्मों अभ्यास करते करते जब मोहरूप गोहन मोहरूप जो भयंकर विषय इस गहन डीप अंधेरा को पार कर सकोगे तुम्हारा बुद्धि संपूर्ण परित्याग करने में समर्थ होगे आप। उस समय वेदों में क्या लिखा है श्रोतव्य सुत फल जो सबकी जो तरह तरह के विचार बताया गया इसमें तुम्हारा कोई बिल्कुल आसक्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, निर्वेद लाभ करोगे। निर्वेद मतलब ये सुनना नहीं सुनना बराबर है, कोई इसमें कोई बिल्कुल आकर्षण नहीं है, ऐसा स्थिति में आप पहुंच जाओगे। भगवत अर्पितो निष्काम कर्मयोगों का अभ्यास करने से मानव के हृदय में हृदयस्थ तुच्छ फलाभ
तुच्छो फलावी संधि रूप जो मोह है, अज्ञान है, ये दूर हो जाता है। एंड उसी समय वही जितना सारे वेदा पुष्पित वाचा उसमें जो क्षुद्र क्षुद्र छोटे मोटे जो ऑफर है वो तुच्छ फलाफल पुदय विषय इसका लिए आपका हृदय में निर्वेद उपस्थित हो पाएगा। निर्वेद कोई इच्छा नहीं, ऐसा करके आप धीरे धीरे बंधन का बाहर अपने को ले सकोगे, अपने को धीरे धीरे बंधन का बाहर ले सकोगे। जदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्याति तरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यो श्रोतस्य। उस समय एक अवस्था को आप प्राप्त करोगे, कैसा अवस्था मैंने श्रुति विप्रतिपन्या ते यदा स्थति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्सी। ये जो कब संभव है, श्रुति विप्रतिपन्या, श्रुति विप्रतिपन्न मतलब तरह तरह का लौकिक और वैदिक कर्म और कर्म का फल के बारे में जो जिस जो सो वर्णन है श्रुति विप्रतिपन्या, तरह तरह का लौकिक और वैदिक जो अर्थ है ये श्रवण करने में तुम्हारा इच्छा नहीं रहेगी, विरक्त तो हो जाओगे। और निश्चला मतलब उस समय अनासक्ति आसक्ति रहित हो जाओगे। निश्चला मतलब आसक्ति रहित होकर समाधु अर्थात परमेश्वर में अचला स्थिर होकर स्थास्यति माने तुम ठहर जाओगे, भगवत चरण में स्थिर हो जाओगे। और उसी समय तुम्हारा ये जो योग हम बताया ये प्राप्त करने का अधिकार होगी। सुति विप्रतिपन्ना ते जदा स्थस्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यति। ये जो योग हमने बताया योग का टेक्निक कौशल अब तब हो पाओगे, तब हो पाएगा, उसका पहले नहीं। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति में विप्रतिपन्ना विशेष रूप प्रतिपन्न प्रति विशेष रूप से उसमें जो लिखा गया लौकिक वैदिक विषय में जितना सारे ऑफर है, लोवनी ऑफर, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थस्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। उस समय तुम्हारा ये योग में अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसका पहले असंभव है। निरंतर रूप से लौकिक वैदिक तरह तरह का कर्मकांड विषय में इसका वादानुवाद चलते रहते हैं, इसका श्रवण और आलोचना करने से लोगों में बुद्धि बहुपद गामिनी, रास्ता एक नहीं बहुत है, ऐसा विचार आ जाता है। रास्ता बहुत है ऐसा विचार आ जाता, कभी एक विषय में स्थिर नहीं हो पाते। निरंतर लौकिक और वैदिक नानाविध बहुत सारे कर्मकांड के विषय के बाद में वादानुवाद श्रवण, विषय वादानुवाद माने ये बोलता है ये चलेगा, वो बोले नहीं चलेगा, ये बोले ये चलेगा, जो वादानुवाद ये सब श्रवण करने से वो आलोचना करके लोगों का बुद्धि जो है ये विचार बना लेता है कि रास्ता बहुत है एक नहीं है।
लेकिन भगवत भक्त लोग जानता है भगवत का विचार है एक ही रास्ता है, सौ तो एक ही रास्ता है, सौ तो पंथा एक ही रास्ता है। लेकिन ये सब लौकिक वैदिक विचार कर्मकांडों का सुनते रहोगे तुम्हारा भी दिल इसमें रमन करने लग जाए। लोगों का ये सब चर्चा और दर्शन होने जाए तो बहु बहुत गामिनी नानाविदो संशय को इसका हृदय जो है ये विचार बना लेता है, नहीं नहीं एक रास्ता नहीं बहुत रास्ता है, एक कैसे बहुत रास्ता है ये तो दिखाई पड़ता है। इसमें धीरे धीरे संशय संदेह पैदा हो जाता, तरह तरह का संशय पैदा हो जाता और हृदय कलुषित हो, हृदय कलुषित हो जाते। किंतु भगवत और विद जो निष्काम कर्म योगी फलां ये जो है हमने बताया, किंतु भगवत अर्पितो निष्काम कर्म योग्य का अनुष्ठान जो है इसके द्वारा हृदय शुद्धि हो जाता है, इसके द्वारा बुद्धि शुद्धि होता है, हृदय शुद्धि हो जाता है। हृदय शुद्धि होने से सिद्धि, हृदय अगर चित्त का शुद्धि हो जाए तब ठाकुर जी का चरण में निश्चल बुद्धि हो जाता, स्थिर हो जाता है, अर्थात निबात प्रदीप के मापी, जब कोई हवा नहीं है एक दीप जल रहा है, ये दीपों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल निबात कोई बातास नहीं है, जब प्रदीप एकदम सीधा चल रहा है कोई कंपन नहीं है इसमें, निर्वात दीपों का नाम दीप का मापिक निरवच्छिन्न रूप से भगवान के साथ जोग युक्त होकर रह सकता है, आत्मा अनुभव भी प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, उसका बाद ये ऐसा करके ठाकुर जी समझाया, हे अर्जुन सुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थस्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तथा योगम अवाप्स्यसि, तब जो को प्राप्त करो, इसका पहले नहीं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अब जो स्थित प्रज्ञ बोल दिया तुमने, स्थिर करो विचार बनाओ, ये स्थित प्रज्ञ कौन है, अर्जुन का भी प्रश्न है। अर्जुन कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्तस्य केशव स्थितोधि किं प्रभासे तो किम आसित ब्रजत किम, ये बताए अर्जुन का ये क्वेश्चन है। तुम जो स्थितोधि बुद्धि योग लगाते हुए, स्थिर बुद्धि योग लगाते हुए स्थितोधिर बन गया, लेकिन स्थितोधि का लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्तस्य केशव, स्थित प्रज्ञ का क्या भाषा होता है, भाषा कैसा होती है, समाधि कैसा है, समाधि आस्थितोधि व्यक्ति कैसा बातें करते हैं, स्थितोधि किं प्रभाषित किम आसित बजत किम, कैसे रहते हैं, कैसे चालबोल चालबोल कैसा है, ऐसा करके अर्जुन भगवान के सामने प्रश्न किए। केशव अर्जुन बता दे केशव, समाधि इस तरह का समाधि में जोग युक्तो जो है, समाधि में लगे हुए व्यक्ति का स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, ये कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे विचरण करते हैं, ये सब बारे में अर्जुन प्रश्न किए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्तस्य केशव स्थितोधि किं प्रभाषेत किं आसीत ब्रजत किं, ऐसा प्रश्न किया। ये लक्षण बताने के लिए भगवान धीरे धीरे ये
अगले जो सब शेख है श्लोक है 55 से लेकर कह रहे हैं भगवान वाच प्रजोहाति जदा कामानो सर्वानो पार्थो मनोगतानो। प्रजोहाति में प्रकृष्ट लोग जहाति जहात मन त्याग करना। प्रजोहाति जदा कामानो जब हृदय से सम्मक रूप से तमाम कामना वासना को त्याग दिया। प्रजोहाति जदा जिस समय हृदय में कामना वासना को पूर्ण रूप से छेदन कर दिया। प्रजोहाति जहाति ना प्रजोहाति प्रजोहाति जदा कामानो सर्वानो पार्थो मनोगतानो। मन का अंदर में जो भाव है कामना वासना है वो कामना वासना को पूरा जब फेंक सकोगे प्रजोहाति चाहती नहीं प्रजोहाति तदा प्रजोहाति जदा जब आप सक्सेसफुल होगे। प्रजोहाति जदा कामानो सर्वानो पार्थो मनोगतानो मन की जितना सारे कामना वासना सब के सब आप बिल्कुल फेंक सकोगे बाहर। उस समय क्या होगी आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदुच्यते। उस समय अपना जो आत्मा है आत्मा में स्थित होकर प्रसन्नता प्राप्त प्रसन्नता को प्राप्त कर देते हैं। सम्यक रूप से प्रजवाति जदा कामानु सर्वानु परतो मनोगतानु आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। उसको स्थितोपज्ञ बोला जाता है। स्थितोपज्ञ का बहुत सारे लक्षण एक लक्षण बताए मन की जितना सारे कामना वासना है सबको छोड़ कर दिया त्याग कर दिया। उस समय जो मन का स्थिति है माने आनंद मन की जो आनंद एक ब्लेसफुल सिचुएशन है आनंद स्वरूप आत्मा द्वारा पुष्ट है। आत्मचिंतन के द्वारा जब पुष्ट हो जाते ये इसको ही बोलेगा स्थितोपज्ञ व्यक्ति। प्रजोहाति जदा कामानो सर्वानो पार्थो मनोगतानो आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। प्रत्याहित मन जब विषय से उब गया तमाम विषय से जब मन उब गया उस आनंदमय स्वरूप आत्मा के द्वारा ही संतुष्टि विधान हो पाता है। इस समय जो स्थिति है वो व्यक्ति का इसका नाम है स्थितोपज्ञ। स्थितोपज्ञ व्यक्ति के ये लक्षण है। प्रहलाद महाराज भी उधार ऐसा जो सप्तम स्कंद में है जर ही मानव त्यजंती कामानो मनुष्य स्थितान हो तर ही एव भगवत्ताय कल्पते। प्रहलाद महाराज का उधार है सप्तम स्कंद में। जिस वक्त आदमी तमाम दुनिया का कामना वासना का गंदगी जो है उसे हाथ को छुड़ा लेता है उस समय भगवत्ताय कल्पते मतलब है भगवान का जो भगवान में तन्मय हो जाता है भगवत्ताय कल्पते उसका अंदर में बहुत सारे पावर उसी समय भगवत्ताय भगवत्ता मान भगवान का शक्ति बहुत सारे शक्ति तर ही एव मानवः भगवत्ताय कल्पते। उस समय भगवत तत्व के साथ एकाकार हो जाता है। इस समय आदमी वास्तविक पक्के स्थितोपज्ञ बोल के घोषित किया जा सकता है। पर जो हाथी योदा कामानो सर्वानो पार्थो मनोगतानो आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितो प्रज्ञस्तदुच्यते उसको ही स्थितोपज्ञ बोला जाता है। यही स्थितोपज्ञ है। अस दुखेषु अनुद्विग्नो मना दुखेषु अनुद्विग्नो मना
सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि उच्यते। दुखेशु मने आध्यात्मिक आदिदेवी आदि वैदिकताम तापत्रय दुखेशु इस सब अवस्था का जिंदगी में आए तापत्रय इसमें भी वो अनुद्विग्न अनुद्विग्न माने कोई उद्विग्न टेंशन नहीं है अनुद्विग्न मना होके रह जाते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा अगर सुख भी आए ये जड़ जगत का जो सुख है तात्कालिक सुख ये सुख में भी उसका दिल नहीं लगता। सुखेशु विगत स्पृहा सुख में भी कोई इच्छा नहीं है और वितराग भय क्रोध स्थिर स्थितधीर मुनि रुच्यते। शारीरिक मानसिक भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक क्लेश उपस्थित होने से भी मन जिसका उद्विग्न भाव को प्राप्त नहीं करता उद्विग्न नहीं होते तत्त्व विषय सुख उपस्थित होने से भी जिनका अंदर में कोई कामना वासना बिल्कुल नहीं चाहत नहीं है एवं जिन्हें सकृत कर्म में अनुराग भय क्रोध से वियुक्त हो गया स्वकृत कार्यो अपने द्वारा जो कर्म क्रिय कर्म होते रहता है जिन्हें सकृत कार्य अर्थात अपने द्वारा जो क्रियाकर्म होते रहता है इसमें अनुराग भय क्रोध ये सबसे पड़े है वियुक्त हो जाता है अगर होता है ये स्थितधि मुनि अर्थस्थित प्रज्ञ व्यक्ति माना जाता है इसको स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति माना जाता है। दुखेशु अनुद्विग्नो मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि रुच्यते। इसको ही मुनि मौन मुनि बोला जाता है। ऐसा करके विचार बताया ठाकुर जी और इसके बाद या सर्वत्रानभिस्नेहोस्तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या सर्वत्रानभिस्नेहोस्तत्त प्राप्य स्नेह शुभम शुभाशुभम सॉरी या सर्वत्रानभिस्नेहोस्तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो पाया ये समस्त जड़ विषय में स्नेह शून्य है कोई लगन नहीं है तमाम जड़ दुनिया का जो विषय है इसमें स्नेह शून्य कोई लगन नहीं है और जड़ विषय में जो शुभाशुभ जड़ विषय में तो शुभाशुभ अवश्य संभावी है होते रहता है प्राप्त होते रहता है लेकिन इसमें राग देश कुछ नहीं इसमें राग देश आदि कुछ नहीं है बिल्कुल सफा हो जाता। जिसका प्रज्ञा स्थिर हो पाया हृदय में जो व्यक्ति जड़ों विषय में बिल्कुल कोई स्नेह नहीं रखता है बिल्कुल हट जाता है इसका और जोड़ियों ये जड़ों विषय में जो शुभाशुभ कर्म आते रहता है इसमें विद्वेष भी नहीं है राग भी नहीं है विद्वेष भी नहीं है ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है। शरीर जब तक रहेगी शरीर जब तक रहेगा तब तक जड़ों
और जड़ो वस्तु या जड़ो संबंधी लाभालाभ अनिवार्य होते रहता है, ये तो आते ही रहेगा। जब तक देहो, जब तक शरीर का बंधन है, शरीर रहता है, तब तक ये दुनिया का जो जड़ वस्तु है, जड़ संबंधी लाभालाभ ये रहता ही है, इसमें छुटकारा नहीं है। किंतु शीतोपक पुरुषों का ऐसा लक्षण नहीं है। किंतु शीतोपक पुरुष ये सब लाभालाभ अनुराग विराग इससे पड़े हैं, इसमें कोई विद्वेष भी नहीं है, अनुराग भी आकर्षण भी नहीं है। जेतु इनके प्रज्ञा समाधि में अवस्थित है। कारण यह है कि इनके जो प्रज्ञा है इस समाधि में स्थित है। य सर्वत्र अनभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्त शुभाशुभम नाभि नंदन्ति नोद्देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। और इसके लक्षण के बारे में भागवत जी बता रहे हैं कि इसका कैसा लक्षण है। देखो, जैसे कछुआ कुछ विपरीत परिस्थिति आने से तुरंत अपना जो लिम्ब्स है, अंग प्रत्यंग है, उसको अंदर में ले लेता है, तुरंत घुसा लेता है। जदा संहरते चायम कुर्म अंगा नीव सर्वसह, जिस समय कछुआ अपना सामने बहुत कुछ मुश्किल आया, तो कछुआ जैसे अपना लिम्ब्स ऑर्गेन जो है अपना हाथ पैर सब झुका घुसा लेते हैं। जदा संहरते चायम कुर्मो अंगा नीव सर्वसह इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जितना सारे इंद्रियां हैं हमारा बाह्य विषय का अधीन है, इंद्रिय सकल बाह्य विषय का विषय स्वाधीन होके विचरण करने में समर्थ हो जाता है। जितना सारे इंद्रियां हैं ये अगर बाह्य विषय का अपेक्षा नहीं रखते, इंद्रिय सकल बाह्य विषयों का अपेक्षा नहीं रखते हुए स्वाधीन रूप से विचरण करने चाहता है, किंतु स्थितोपज्ञ पुरुष इनके जो इंद्रिय सकल बुद्धि अधीन है, पता कर लो, ऐसे स्वाभाविक रूप से इंद्रिय सकल जितना से इंद्रियां हैं ये सब बाह्य विषय में स्वाधीन होके विचरण करने में चाहता है, हर वक्त यही इच्छा। किंतु स्थितोपज्ञ पुरुषों का तमाम इंद्रिय जो है ये अपना बुद्धि का अधीन है, कुत्ता का मापी रहता है, गोसाई हो जाता है। इंद्रिय सकल बुद्धि का अधीन होके सिद्धपज्ञ पुरुषों का जो इंद्रिय सकल ये अपना बुद्धि का अधीन होके शब्द आदि इंद्रिय सकल स्वाधीन रूप विचरण करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हर वक्त वो सोचते हैं कि हम अधीन हैं। शीतोपज्ञ पुरुष का इंद्रिय सकल बुद्धि के अधीन होकर मतलब अपना विचार का अधीन होकर चलता है, शब्द आदि इंद्रियार्थे स्वाधीन रूप से विचरण करने में असमर्थ है, अर्थात चाहता नहीं, सब कंट्रोलिंग है। ये बुद्धि का जो विचार है उसका मुताबिक चलता है। जैसे कूर्म है कछुआ, अपना शरीर का अंदर सारे तमाम अंग प्रत्यंगों को घुसा लेते हैं, समय आने से फिर खोल लेते हैं, तद्रूप शीतोपज्ञ व्यक्ति का इंद्रिय सकल कुरी हंगामा नहीं मचाता, ये बड़ा कंट्रोल्ड है, विचार में रहता है, अधीन रहता है। इंद्रिय सकल बुद्धि का इच्छा के अनुसार
कभी स्थिर रहता है, कभी जब जैसा दरकार है ऐसे काम करते रहते हैं। जैसे कछुआ है अपना अंग प्रत्यंग अंदर में घुसा रहता है और जब जरूरत पड़े तो खोलते हैं। सितोप्रज्ञ का जो इंद्रिय है सकल बुद्धि का इच्छा का मुताबिक कभी स्थिर हो जाता है, कभी उपयुक्त विषय आने से ठीक है चलो उसको ग्रहण करता भी है, विषय चालित है। ऐसा करके वो जैसे शिक्षित कुत्ता है, ट्रेंड कुत्ता, पूरा जो बोले वही माने। ऐसा करके ठाकुर जी बताए अर्जुन को, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित, इसके ही इनके ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित, ये मान लो कि इनके ही प्रतिज्ञा प्रतिष्ठित है। क्योंकि विषय जो विषय से पूरा छुटकारा मिलना मुश्किल है, विषया विनिवर्तन्ते निराहार स्वदेहिना। कोई आदमी अगर जोर जबरदस्ती कहे तो हमारा विषय आकर्षण नहीं है, लेकिन अंदर में विषय वासना जरूर है, तब ये जो है वो बेकार हो जाता। विषया विनिवर्तन्ते निराहार स्वदेहिना रसवर्जम रसोपास्यो परम दृष्ट्वा निवर्तन निवर्तन थे। इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण में अगर असमर्थ भी है कोई आदमी, जैसे कि बुढ़ापा आ गया, इंद्रिय संचालन में असमर्थ है, लेकिन देहाभिमान पूरा है, अज्ञान है, अज्ञ व्यक्ति, और फिर भी विषय में रमन करना चाहता है, बाहरी शरीर का कोई क्षमता नहीं है, लेकिन अंदर में चाहत है, ये मुश्किल है। बाहरी दृष्टि में इंद्रिय सकल तो बुढ़ापा आ गया तो निवृत्त हो गया लगता है, किंतु इसका जो अंदर में जो रस है, विषय प्राप्त करने का, प्राप्ति करने का जो रस है, चाहत है, ये वर्जन हो नहीं पाता। अर्थात विषय बाहरी दृष्टि में त्याग हो गया, लेकिन विषय का अभिलाष अभी तक निवृत्ति निवृत्त हो नहीं पाया। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्यम रसोपास्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। लेकिन स्थितोपज्ञ व्यक्ति जो परमात्मा को दर्शन करने के बाद विषयानुराग स्वत निवृत्त हो जाता है, इसका और कोई फाइटिंग का जरूरी नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं जे देहोधारी जीव निराहार के द्वारा जे विषय निवृत्ति का जो बहाना दिखाता है, ये अत्यंत मूढ़ोलोक संबंधी विधान, ये इसमें इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, बेकार है। ये जो विधान है कुछ मत दो, शरीरधारी जीव को कुछ निराहार में रख दो, अर्थात इंद्रियां जो सब रिस्पेक्टिंग इंद्रियां जो मांगते रहते हैं उसको इसको मत दो तो निवृत्ति हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो पाता। भक्तिमठोर कहते हैं देव विशिष्ट जीवों के लिए अगर निराहार में उन लोगों को रखा जाए, विषय निवृत्ति का जो विधान, ये मूढ़ लोग अज्ञान समाज में इसका ऐसा विधान है। अष्टांग योग जे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा विषय निवृत्ति अभ्यास व्यवस्थापित किया गया, इसमें होता भी है, लेकिन ये लोक संबंधी विधान, अंतरात्मा का चेकिंग अथवा कंट्रोलिंग हो नहीं पाता। किंतु स्थितोपज्ञ पुरुष जो है संबंध में ऐसा विधि नहीं स्वीकार किया जाएगा। स्थितोपज्ञ पुरुषों का यो है ये परम तत्व का दर्शन करने के बाद स्वाभाविक रूप ये सब जो स्थितोपज्ञ पुरुष लोग हैं, हृदय में परम तत्व का दर्शन, सौंदर्य दर्शन करने के बाद, संदर्शन के पूर्वक
इनमें आविष्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, सामान्य जोड़ियों विषय राग ऐसे ही त्याग हो जाता है, जोर जबरदस्ती करने का कोई जरूरत नहीं है। रसोवर्जम रसोपस्य परम दिष्टा निवर्तन्ते, जो रस को बद्ध जीव अभी भोग रहा है, इसका अगर ऊंचा रस मिले एक्सीलेंट उसमें लगे तो स्वाभाविक पहले का चला जाए। जिनका मन सिद्धभग पुरुषों का मन जो है परम तत्व वस्तु का सौंदर्य दर्शन करते संदर्शन पूर्वक इसमें आविष्ट हो जाता है, तो स्वाभाविक सामान्य जोड़ियों विषय रागों का कोई सवाल ही नहीं है। विषय राग तय ये तो हट जाता है ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से हट जाता है। अति मूढ़ व्यक्ति जो जो मूर्ख व्यक्ति है, इंद्रियों को संयम करने के लिए क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, निराहार करके संयम व्यवस्था करता है। अति मूर्ख व्यक्ति या वो जाने नहीं कि ऐसे इंद्रिया कभी कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग संभव नहीं है। अतीब मूढ़ा व्यक्ति इन लोगों के लिए इंद्रियार्थों से इंद्रियगण को निराहार रखने का संयम संयमित करने का जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इसमें कोई फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगी। अस्तित्वज्ञ व्यक्ति स्वाभाविक रूप में परम तत्व वस्तु का सौंदर्य देखते हुए मशगूल हो जाते हैं, इसमें खो जाते हैं, स्वाभाविक अभिनिवेश हो जाता है, तो विषयों में अभिनिवेश खुद ब खुद स्वाभाविक रूप से खो जाता है, इसमें रहता नहीं। विषया विनिवर्तन्ते निराहार स्वदेहिनः रसवर्जम रसोपास्य रप्य परम दृष्टा निवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहार स्वदेहिनः रसवर्जम रसोपि अस्य रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, स्वाभाविक रूपे संयमित हो जाता है कंट्रोलिंग। जो कौन है ये स्थितोपज्ञ वाले जो है स्थितोपज्ञवान व्यक्ति, उपवासी व्यक्ति जो उपवास रखते हैं, किंबा कोई बीमार व्यक्ति कोई बीमारी है विषय ग्रहण करते नहीं किंतु उसका क्षमता नहीं है, उपवासी व्यक्ति विषय ग्रहण करते नहीं, और जो रोगी बीमारी व्यक्ति है वो भी विषय ग्रहण से दूर रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्थितोपज्ञ हो गया, ये लोगों को स्थितोपज्ञ बोला नहीं जाएगा, ये तो कभी उपवासी व्यक्ति है किंवा रोगी है बीमारी है, ये तो विषय ग्रहण नहीं करेगा, ये तो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्थितोपज्ञ बन गया, ऐसा नहीं। कारण ये है अप्राप्तोता हेतु, उसका विषय सामने में नहीं है तो विषय अंतर से चला गया ऐसा तो नहीं है, देहाभिमान व विषय भोग विलास इनका तो है पूरा अंदर में, शरीर का अभिमान शरीर से जुड़ा हुआ वस्तु का अभिमान विषय भोगने का अभिलाष कभी भी हटता नहीं, देव का अभिमान भी रह जाएगा और विषय भोगाभिलाष इन निवृत्ति मार्ग में नहीं जा सके, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं रहा इसलिए वो स्थितोपज्ञ हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो रोगी जो है बीमारी व्यक्ति अभी उसके लिए मना है विषय लेना, काल अगर रोग से छुटकारा मिल गया सही हो गया तो फिर विषय भोगना शुरू कर देगा, ये तो तात्कालिक है विषय भोग नहीं कर रहा है। रोगी बीमारी व्यक्ति अगर बीमार हट गया तो फिर से छलांग लगाएगा विषय में, किंबा उपवासी व्यक्ति उपवास का बाद हमने देखा है बहुत उपवास कर रहा है
लेकिन वो उपवास जो कर रहे हैं निरंबु उपवास, पहला दिन ऐसा खा लिया कि तीन दिन का खाना, तीन दिन का खाना एक दिन खा लिया, ऐसा बेमतलब क्या माने हैं इसका, ऐसा उपवास रखने का क्या कारण, क्या दरकार है। उपवास अगर हट गया पुनः वो विषय स्प्रिया में जोड़ गया और फिर विषय भोग में उलझ गया। और ज्यादातर ऐसा नहीं कि पहले कम था, अब ज्यादा होगी। सो रोगी बीमारी व्यक्ति रोग हटने से उपवासी व्यक्ति उपवास का अंत में पुनराय विषय भोग का स्प्रिया और ज्यादा करके लाभ कर सकता है। ये अक्सर देखा जाता है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि विषय अनुराग तुम्हारा अपने आप हट जाए जब परतत्व भगवान का ओर तुम्हारा चित्त आसक्त हो जाए। जब तक आसक्त ना हो तब तक ये जितना भी विषय के ऊपर कंट्रोलिंग अपने ऊपर जितना दबा डालो, रूल्स एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन कितना भी करो, जब तक पर वस्तु का ओर नजर नहीं गया तब तक इसका विषय वासना दूर होने का कोई चांस ही नहीं। क्योंकि उत्कृष्ट विषय में अनुराग जन्म होने का बाद वा निकृष्ट विषय में अनुराग स्वाभाविक रूप से चला जाता है, ये नियम है। उत्कृष्ट विषय में अनुराग पैदा होने के साथ साथ, जैसे पहले कोई जुआ खेलते थे, चुल्लू खाते थे, दारू पीते थे, सब कुछ करते थे विश्वावरी, लेकिन साधु संग हो गया, हृदय निर्मल हो पाया, हो गया इसके बाद, और इसका अंदर में ऐसा कोई वास्तव पहले किए हुए कर्म के लिए वो रोते रहता है, भगवान हम अज्ञान में था ऐसा कर दिया। उत्कृष्ट विषय का साथ जब जोड़ जाए तो निकृष्ट विषय जो है स्वाभाविक रूप से छोड़ के चला जाए, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे ऐसा उदाहरण है, ऐसा नहीं जैसे ध्रुव महाराज राज्य राजधानी को प्राप्त करने के लिए स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितम बड़ा व्यस्त हो गया। अंतिम में जब नारद जी का कृपा मिला, कृपा मिलने के बाद जो अनुभव हुआ, अरे ये सब क्या चीजें मांगे हम, ये कुछ नहीं है बेकार, तो ठाकुर जी जो भाई नहीं नहीं ये सब हम नहीं जाए, ना 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 ये सब हम नहीं जाए, नहीं मांगते। प्रहलाद महाराज जैसे कहते ठाकुर जी, हम ठाकुर जी कहते कुछ ले लो प्रहलाद, कुछ मांग लो, कुछ बर मांग लो मेरे से। प्रहलाद, बर का क्या जरूरी है ठाकुर जी, आप तो मेरा अपना आदमी है, आप मेरा अपन है, हम आपका अपना है, ये दोनों में माँ प्रभु और भित्त के बीच में कोई कोई रेस्ट्रिक्शन या तो कोई चाहत जो है बिजनेस मेंटेलिटी लाभ और नुकसान का कोई हिसाब नहीं ठीकता, बिल्कुल हमको नहीं चाहिए। बार बार जब ठाकुर जी कहते तो कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, हम ब्रदर सब है, कुछ तो ले लो। अंतिम में प्रहलाद महाराज जी कह दें, कामानम हृदय संग्रहो भवतस्तु विनय वरम, हमारे हृदय में कामना वासना का कोई चाहत ना पैदा हो, कोई गंदगी ना रहे, ऐसा व्यवस्था कर दो। कामानम हृदय संग्रहो भवतस्तु विनय वरम, कामना वासना का कोई पैदा ना हो, ऐसा आशीर्वाद आप दे दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। तो उत्कृष्ट विषय में अगर मन को चालित किया जाए, अंतकरण को, स्वाभाविक रूप से पहले का जो घटिया विषय है, जो पहले जो आदमी का विषय में लगन है बहुत बुरा हालत है, लेकिन जब भगवत भक्ति मिल जाए
संत महात्मा का संघ, तो वो सब अपने आप छूट जाता है। सारे व्यसन है, ये है, सारे तमाम दुनिया के चीज छोड़ जाते हैं। वो समझ पाते कि पहले अज्ञान के मारे हमने ऐसा सब कर दिए, अब ये सब तुम्हारा दरकार नहीं है, बोल के सारे छोड़ देते हैं। अनुताप भी करते हैं, ठाकुर जी हमको क्षमा करो, ऐसा कर दिया, अनजाने में कर दिया, हम उनको मालूम था अज्ञानी था, ऐसा करके। इसके बाद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जततो ही ओपी कंतियो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे कंतियो, जततो मोपी कंतियो पुरुषार्थ विपश्चितः, चेष्टा करने से भी, बहुत सारे कोशिश की फिर भी इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे कौंतेयो, अपना कोशिश के द्वारा, अपना चेष्टा के द्वारा जत्नशील होकर विवेकी पुरुष चेष्टा करता है कंट्रोल करने, लेकिन जब अपना तरफ से कोशिश करे जतत्व ही अपि, इतना कोशिश करने का बावजूद विवेकी पुरुषों का मन भी क्षोभित हो जाता है विषय में, विषय को भागता है। जततोपि, इतना चेष्टा करने का बाद, यहाँ एक शब्द लगाया आरोह पथ, ये बहुत अच्छा किया कि आरोह अवरोह दो पंथा है। भोपाल जी कहते थे आरोह पंथा अवरोह पंथा दोनों पंथा है। एक पंथा में अपना जो बल वीरजों का आस्था रखने वाले जो है, ये एक है, और आरोह पंथा अपने आप प्राप्त कर लेंगे, सब कर लेंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दूसरा एक पथ है, इसका नाम है अवरोह पंथा, मतलब अपना अभिमान, अपना पुरुषार्थ पौरुष अभिमान सारे त्याग करके भगवान का चरण में शरण में जाए, या अर्थात इसका माने हैं गुरु वैष्णव का चरण में शरण में जाए। पोपा जी कहते हैं पहला जो है उदाहरण है ये बंदरों का बच्चा जैसा, बंदरों का बच्चा मैया को पकड़ के रखे, मैया छलांग लगाए यहां से वहां, ये चलते रहेगा, कभी अगर हाथ फिसल गया तो बच्चा मारा जाए नीचे गिर के, बहुत सारे ऐसा होता है, क्योंकि मैया का जुमा नहीं है, बच्चा बहुत जोर से पकड़ के रखी, ये उसका जुमा है। और पोपा जी ने उदाहरण दिए ये बंदर का बच्चा का जो ये जो प्रचेष्टा है, ये आरोह पंथा है, अपने आप अपना बल वीरजों पर आस्था रखना, अपना पुरुषाकार का पर आस्था रखना। और दूसरा जो है उसका नाम है अवरोह पंथा, मतलब अपना जीवन जिंदगी का जितना सारे अभिमान है सारे को छोड़ करके मिट्टी में मिलाकर गुरु वैष्णव का चरण में अपने को समर्पित कर देना। अब मेरा मंगल का पूरा जुमा है गुरु जी का ऊपर, गुरु वैष्णव का, प्रभुपाद का ऊपर। ये हुए बिल्ली का बच्चा का साथ उदाहरण दिया पोपा जी ने, बोला बिल्ली का बच्चा जैसे पड़े रहता और मैया आके दांतों के द्वारा बच्चा को पकड़ कर दूसरे जगह को ले जाते, भले ही दांत से पकड़े, बच्चा का कष्ट नहीं होते, बिल्कुल नहीं, अपना दांत से पकड़ के बच्चा को, एक एक बच्चा को लेकर दूसरा जगह लग के रख देते। इसमें बिल्ली का बच्चा का कोई अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, से मैया लेके पूर्ण शरणागत उठा के हमको लेके जाएगी माँ। पोपा जी ये दो विचार के द्वारा, बंदरों का बच्चा और बिल्ली का बच्चा का हुई उदाहरण के द्वारा समझाने का कोशिश किए। तो आरोह पंथा में बहुत जितना भी क्यों ना जत्न करो,
कोशिश करो, प्रयास प्रचेष्टा, फिर भी पुरुष का खोपकारी इंद्रिय सकल मन को बलपूर्वक विषय में ले जाने में कामयाब हो सकता है। जब भी वो चेष्टा में लगे फिर भी मन को जोर जबरदस्ती लेके विषय का ओर लेके फेंक दें, ले जाने में समर्थ है, खींच के ले जाने, तो माने ये प्रचेष्टा कोई खास कुछ नहीं है, इसमें क्या हो। किंतु अनुराग का मार्ग में, आत्मसमर्पण का जो मार्ग है, उसमें कोई मुसीबत होने का कोई चांस नहीं। यतो तो ही ओपी कंतियो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियानि प्रमाथिनि हरंति प्रसमम मनः। जितना भी चेष्टा क्यों न करे, ये फिर भी ये हरण करके ले जाने में प्रसवम, प्रसवम मतलब है बलपूर्वक, जोर जबरदस्ती, प्रसवम हरंती, जोर जोर जबरदस्ती हरण करके ले जाने में समर्थ हो। ऐसा करके दिखाए कि देखो ऐसा स्थिति है बद्ध जीवों का, लेकिन स्थितोपज्ञ का, स्थितोपज्ञ व्यक्ति का जो, स्थितोपज्ञ व्यक्ति का जो अवस्था है ये बड़ा ऊंचा, इसमें कोई अमंगल का कोई रास्ता ही नहीं। किन क्योंकि विषय विनवर्तन्ते निराहारस देहिनः रसोवर्जम रसोपास्यो परम दृष्टा निवर्तन्ते, परम वस्तु को दर्शन करने का बाद अपने आप ही ये बस में आ जाता है, और इनके इंद्रिय और मौन जो अपने कोई उठपटांग में नहीं जुटते हैं, कुछ नहीं करते, समाधान। इसीलिए अर्जुन का लिए तो भगवान श्री कृष्ण गुरु बन के बैठे हैं, गुरु तो है ही है, तमाम दुनिया का गुरु कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर भी अगर इस जड़ जगत का गुरु का सहारा लिया जाए तो पतन ही पतन, गुरु भी मरे चेला भी मरे। गुरुवो बहवो संति शिष्य विद्यापहार कहा दुर्लभ सद्गुरोर्देवी शिष्य संतापहार कह वाच कल्पतुर्वश्य के पासिंद व्यवच पतितानं पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।